What's up everybody, this is Mohsin Mohsin aka The Gentle Giant. Welcome back to the channel. So, कैसा लगा last video? जो भी नए budding YouTubers हैं वो अपने मोबाइल से आज vlogging शुरू कर सकते हैं. That's better. तो आज का वीडियो जैसे लास्ट टाइम मैंने प्रॉमिस किया था, इसी हेलमेट पे हम लोग माउंट करेंगे मेरा एक्शन कैमरा जो कि है E4K. अभी इसको डायरेक्ट नहीं चिपका सकते, GoPro नहीं है ये, तो इसको माउंट करने के लिए अपने को लगेगा केस जो इसके साथ ही फ्री आता है. मैंने खरीदा था क्या? हाँ मैंने खरीदा था, हाँ खरीदा था मैंने. ठीक है, मैं उस टाइम GoPro नहीं लिया जो कि गलती किया, बट ठीक है, आई एम हैप्पी विद दिस कैमरा. इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है एज कम्पेयर टू बाकी मार्केट में मिलने वाले कैमरास. सो हम लोग आज इसको माउंट करेंगे हमारे हेलमेट पे इस तरीके से. बट यहां पे मैं एक चीज यूज नहीं करूंगा जो कि है एमसील. एमसील से थोड़ा हैवी हो जाता है और ऐसे भी थोड़ा लूज, और इसका भी वजन काउंट करके वो थोड़ा कंफर्टेबल नहीं रहता. तो इसलिए हम लोग इसको माउंट करेंगे आज बिना एमसील के. सो मैंने पुराना सेटअप निकाला, अभी लॉकडाउन में था तो यहां से निकल गया वो, इसलिए वापस से मैं चिपका रहा हूं. सो मेरे पास जो माउंट है वो है कर्व माउंट. ऐसे तो बहुत सारे माउंट है मेरे पास, ये माउंट है एक, ये माउंट है सीधा माउंट है, एक और कर्व माउंट है, एक और सीधा माउंट है, बहुत सारे ये है, टेप्स है, डबल साइड टेप्स है, 3M की टेप्स है, सादी टेप्स है, ठीक है, बहुत सारी टेप्स है, एक सैंड पेपर है आज के वीडियो के लिए. तो ये सारी चीजें मैं यूज करूंगा इसको यहां पे माउंट करने के लिए. लेट्स गेट स्टार्टेड. मेरा हेलमेट पे कैमरे को चिन माउंट पे या चिन एरिया पे प्रेफर करता हूं. ठीक है, सो ये जो एरिया है जो हेलमेट का जो कलर रहता है वो एक्चुअली काफी चिकना रहता है, तो हम लोग को इसको थोड़ा रफ बनाना पड़ेगा जिससे मैं सैंड पेपर से घिसूंगा. अगर सैंड पेपर नहीं है तो नेल कटर का एरिया था ना, तो जिससे हम लोग नेल को फाइलर क्या जो भी बोलते हो उससे भी आप रफ करके इसको रफ कर सकते हो ताकि उसका ग्रिप अच्छा रहे. मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ 3M की ट्रिप टेप. ठीक है, एक कर्व माउंट. ठीक है, अब ये जो कर्व माउंट है इसके ऊपर एक स्पेशल में कोई यहां पर माउंट मिला था जिसके ऊपर एक दो और ये तीन क्लिप्स ऑलरेडी बनी हुई है. इसको क्या बोलते मुझे पता नहीं, बट मुझे उसके साथ मिला था. ठीक है, तो ये एक, ये दो और ये तीन पार्ट मिला. ये चौथा पार्ट मैंने जोड़ा है ताकि मैं अपने कैमरे को डिफरेंट एंगल में टर्न कर सकूं. ठीक है, तो वो हिसाब से हम लोग उसको सेट किया मैंने पहले. ये मैं नजदीक से और को दिखा देता हूं, ये इस तरीके से. ठीक है, पहले जब लगा था तो कैमरा काफी नीचे होता था तो कंफ्यूजन रहता था कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ है कि नहीं. अब कैमरा काफी अप आ जाता है तो मुझे दिखता है कि क्या रिकॉर्ड कर रहा है, क्या एंगल पे है. तो सबसे पहले हम लोग इसको रफ करेंगे. तो मैं यहां पे लेता हूं हल्का सा सैंड पेपर. ठीक है, मैं जब सैंड पेपर लेने गया तो उसने बोला अरे ये नंबर का चाहिए, कौन से नंबर का चाहिए. मैं बोला मेरे को नहीं पता कौन से नंबर का चाहिए, मुझे सिर्फ सैंड पेपर चाहिए. उनका होगा कुछ नंबर्स. ये पहला पुराना माउंट जो मैं यूज करता था. ठीक है, तो मैं यहां पे चीन एरिया को इसको रफ करके इसको मैं रफ कर दूंगा पूरा. अभी पुराना हेलमेट है इसलिए चलता है, बहुत लोगों का नया हेलमेट आता है इससे उनकी जान जलती है. अरे इसको मैं कैसे रफ करूं, कलर निकल गया तो वैसे भी दिखने वाला कौन सा, तुम कैमरे माउंट ही कर रहे हो ना उसको. कंटेंट के लिए इतना सैक्रिफाइस तो बनता है. अब ये माउंट को मैं भी थोड़ा घिस दूंगा ताकि वो दोनों सरफेस रफ हो जाए. एक्स्ट्रा सैंड पेपर है मेरे पास, किसको चाहिए तो बोलना, मैं कुरियर कर देगा. मजाक कर रहा हूं मैं. ओके, तो ये भी हो गया रफ, ये भी हो गया रफ. अब एकदम सिंपल है, ये जो 3M की टेप है इसका एक साइड का कवर निकालना है आपको. गर्म हो रहा है मेरे को, फैन की आवाज भी रिकॉर्ड होती है इसलिए फैन बंद करके रिकॉर्ड करना पड़ता है. स्ट्रगल, कंटेंट का स्ट्रगल. मैंने ट्यूटोरियल वीडियोस कभी जिंदगी में बनाया नहीं, तो अभी ट्यूटोरियल वीडियो बनाना सीख रहे हम लोग. सो यहां पे इसको ओपन अप किया, स्ट्रॉन्ग है आज भी. ठीक है, इसमें से जो भी डस्ट पाउडर था उसको थोड़ा रब कर दिया एंड देन इसके ऊपर ये टेप को फिक्स तरीके से
स्टिक कर गया। ठीक है, मैंने अभी तक एक ही साइड का निकाला है, मैंने अभी तक दो साइड का निकाला नहीं है क्योंकि मुझे अभी भी इसको सेटअप करना है। ठीक है, हाँ ये ऐसे बनता था। ओके फाइन, ठीक है, काफी सारे एडिट्स होंगे इसमें, आई नो। ठीक है, अभी मुझे ये डिसाइड करना है कि कैमरा किस साइड रहेगा। जल्दी मैं कैमरे को थोड़ा साइडवेज माउंट करता हूँ, ठीक है, बट ये जो होगा वो एकदम सेंटर में माउंट होगा। ठीक है, तो मैं यहां से इसको मैं डिसाइड करूंगा, ये तो हो गया चिपक गया यहाँ पे, मुझे इस तरीके से इसको माउंट करना है। ठीक है, एकदम सिंपल है, यही तो चाहिए अपने। ओके फाइन, ठीक है, अभी मुझे परफेक्टली सेंटर में इसको प्लेस करना है और चिपका देना है। दैट्स इट। थोड़ी देर के लिए इसको पकड़ के रखूंगा ताकि उसको आराम से चिपक जाए। टू आवर्स लेटर। काफी पसीना बहाने के बाद ये चिटक गया आखिर में। दैट्स फाइन। अभी करते हैं इसका स्ट्रेंथ टेस्ट। ओहो क्या बात है, कूल मैन, चिपक गए। तो दिस इज काफी स्टर्डी एंड स्ट्रॉन्ग। मैंने दो साल पहले लगाया था एक टेप, वो दो साल चली थी, फिर लॉकडाउन में छह महीने उसको बंद रखा। आई गेस थोड़ा मॉइस्चर वॉइस्चर चिटक गया था इसलिए वो निकल गया, बट दैट्स ओके। अभी ये वापस से मेरे को भरोसेमंद लगता है। अभी गौर से देखना है इस सेटअप को। ठीक है, ये है आपका कर्व माउंट। ठीक है, इस कर्व माउंट के ऊपर वो क्लिप से एक अटैचमेंट बैठा है। अभी अटैचमेंट एकदम सिंपल है, अटैचमेंट है ना जो मुझे मिला था वो क्लिप जैसा मिला था। ये देखो, ये वन क्लिप है, ये टू क्लिप है, ये थ्री क्लिप है। ठीक है, अब इसके यहां पे मैंने और एक क्लिप से नट से अटैच किया और इसको हाइट पे दिया। फिर मैं इसको ऐसे टर्न करता हूं अंदर की तरफ और यहां पे मैं मेरा एक्शन कैमरा माउंट करता हूं। ठीक है, तो यहां पे माउंट करने की वजह से क्या होता है, एक्शन कैमरा एकदम सामने की तरफ आता है। रुको मैं माउंट करके दिखाता हूं। एक बैठ गया, नहीं ये दूसरा भी गया अंदर। अब मैं इसको निकालने वाला नहीं है, बिठा के रखेगा इसको माउंट को, क्योंकि मुझे और कोई जगह पे है ना ये वाला माउंट काम ही नहीं आता। तो इस तरीके से माउंट हो गया आपका एक्शन कैमरा। ठीक है, अभी एकदम सिंपल हो गया, अभी आपके व्यू को भी ब्लॉक नहीं करता। ठीक है, आपको पता रहता है कि आप क्या देख रहे हो, आप क्या रिकॉर्ड कर रहे हो, ये सब आपको दिखता है। सो इवन यू कैन एडजस्ट डाउन, यू कैन एडजस्ट अप। ठीक है, इस साइड का एडजस्टमेंट नहीं होता, यू कैन रिकॉर्ड फ्रॉम दिस साइड। हाँ, उस साइड का भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो, तो आपको एक्शन कैमरा इस साइड से माउंट करना पड़ेगा, देन यू कैन रिकॉर्ड दैट साइड। तो ये सब जुगाड़ हम लोग ने मैंने किया था। आई होप आपको पसंद आया हो। सो अगर मैं इसको पहनता हूं अभी, इतना सिंपल हो जाता है। एंड ठीक है, तो मेरा व्यू बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं होता, ये बहुत नीचे आ जाता है। सो अगर मैं चला रहा हूं बाइक को और मैंने इसको स्टार्ट किया, ठीक है, लाइट चालू हुई रहेगी, ठीक है, लो बैटरी है अभी, मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, सो अभी ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया, मस्त ये भी रिकॉर्ड कर रहा है। ठीक है, आई कैन ड्राइव, क्या एंगल है, कैसे एडजस्ट करना है, थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर, तो मेरे स्क्रीन में मुझे सब दिखता है। तो इस तरीके से आई कैन इजीली रिकॉर्ड माय व्लॉग्स। आई होप यू लाइक इट। ओके, अब मैंने लिया है ब्लूटूथ शटर बटन, जिंदगी काफी इजी हो जाती है इससे। बैठे बैठे क्लिक करो रिकॉर्डिंग स्टार्ट, बैठे बैठे क्लिक करो रिकॉर्डिंग बंद। हाँ ओके, सो मैं क्या कह रहा था, अब इसमें कुछ दिक्कत है। अगर गोप्रो है तो उसमें कैसा है, आप एक्सटर्नल माइक अटैच कर सकते हो। अब ये 4K है, 4K प्लस नहीं है, तो इसमें आप एक्सटर्नल माइक अटैच नहीं कर सकते। कंपनी ने बहुत बेकार सीन किया है यहाँ पे, जो ये दिया है क्लिप, ठीक है, वो टाइप सी दिया है, अपना ये यूएसबी पोर्ट यूएसबी दिया है, मिनी यूएसबी क्या है वो, और उसके केबल्स मिलते नहीं है, 3.5mm जैक कन्वर्टर उसके मिलते नहीं है, कंपनी खुद नहीं बनाती है। ठीक है, बाकी
दूसरा, सो अगर मेरे को इंटरनल साउंड इसका देना है, मुझे कुछ बात करनी है, कॉमेंट्री देनी है, वो नहीं आने वाला इसमें, तो मुझे उसको वॉइस ओवर देना पड़ता है, जो मैंने कभी दिया नहीं, इतना बोर होता था एडिटिंग में। ठीक है, ये हो गया पहला पार्ट। ठीक है, दूसरा, द क्वालिटी इज वेरी नाइस, अच्छा है एज कंपेरेटिवली, आपको एक काफी डिसेंट क्वालिटी मिल जाती है, गोप्रो तो नहीं है पहली बात तो ये, तो आपको एक अच्छी क्वालिटी मिल जाती है, ऐसा नहीं कि बुरे वीडियोस आते, कंपेरेटिवली मस्ट स्टेबल वीडियोस आते हैं, ये इसका अच्छा है। हाँ बस वही इंटर ऑडियो का ही इश्यू आता है। ठीक है ना, दैट्स ओके, हम वॉइस ओवर कर लेंगे, हमने वॉइस ओवर सीखा भी है। कितना बुरा बोल रहा हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ट्यूटोरियल वीडियो। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे है तो प्लीज ड्रॉप अस अ लाइक। ठीक है, चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब। ठीक है, अगर आपको लगता है किसी को ये वीडियो से मदद मिलेगी तो यस, शेयर द वीडियो बिंदास, फ्री है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई गेस मैं वहां पे अपने वीलॉगिंग सेटअप के बारे में बताऊंगा, मैं मोबाइल से वीलॉगिंग करता हूँ, DSLR से नहीं, तो मैं अपना मोबाइल वीलॉगिंग सेटअप आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्टे सेफ, दूसरों का भी ख्याल रखिए, स्टे हेल्दी एंड एंजॉय योर लाइफ। बाय बाय, टेक केयर।